क्या आप जानते हैं इंडिया में जैन कम्युनिटी सिर्फ 0.4 परसेंट है लेकिन दसियों यूनिवर्सिटीज उनकी चल रही है सिख कम्युनिटी 1.7 परसेंट है लेकिन उनकी दसियों यूनिवर्सिटीज चल रही है हम चाहते हैं कि मुसलमानों को भी ऐसी खिदमत हमारी कंट्री की जरूर करनी चाहिए मुसलमानों में 43 थ्री परसेंट इलिट्रेसी है कंट्री में सबसे ज्यादा इलिटरेट मुस्लिम कम्युनिटी में और है और ग्रेजुएट्स कितने हैं 2.7 परसेंट सबसे कम ग्रेजुएट्स मुसलमानों में है अलहमदुल्ल शेख रहमान को इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने की परमिशन मिल गई है लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से यह उनकी बहुत सालों की कोशिश थी बहुत सालों से वो इस काम में कंसिस्टेंटली लगे रहे कई साल अपनी जिंदगी के लगा दिए अलहमदल्ला आज ये लेटर ऑफ इंटेंट जो आप देख रहे हैं उन्हें मिल चुका है आइए मैं शेख को पहले इंट्रोड्यूस करूं शेख रहमान तोहहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के जिम्मेदार है चेयरमैन है ट्रस्ट के मातहत कई तालीमी इदारे इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मदरसा अलमदुल्ला चल रहा है मोर देन थ्री स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं दो स्कूल चल रही है आई कॉलेज चल रही है शेख मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर है इमारत शरिया बिहार झारखंड उड़ीसा के मेंबर है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे व्यूअर्स को इस लेटर ऑफ इंटेंट के तलु से कुछ डिटेल्स बताएं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वरक़ मोहतरम नाजरीन बिहार सरकार का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार शक्र अल्लाह हूँ आलमीन के शुक्रिया के बाद कि उन्होंने तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट को पाँच फरवरी दो हज़ार इक्कीस को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है और ये लेटर ऑफ इंटेंट उसमें जो अहम बात है कि तोहद एजुकेशनल ट्रस्ट को दो साल के अंदर में एक लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग यूनिवर्सिटी के मेयार के मुताबिक बना के यूनिवर्सिटी को लॉन्च करना है और इसी सिलसिले में हमारी मुसलसल कद्दोकाविश जारी है जिस तरह का ड्रीम सर सैद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तल्ल से देखा या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया के तलुक़ से देखा शेख ने इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के तल्ल से देखा मैं आप सबको उभारता हूँ कि इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के पास लैंड है 21 एकड़ से ज्यादा लैंड है उसके बाद में 150 एकड़ और अवेलेबल है आगे के स्टेप्स के लिए आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट परमिशन है तो चाहिए क्या सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है जो गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट आपने सुना कि मिनिमम एक लाख स्क्वायर फीट बना करके चाहिए वो भी दो साल के पीरियड में तो हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं क्योंकि दो साल में से आठ महीने गुजर चुके हैं और इतना बड़ा मौका अगर हाथों में से आकर लैप्स हो जाए तो यह पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत शर्म की बात है तो मैं आप सबको उभारता हूं कि हम सबको यह एक लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बनना चाहिए कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कितना है क्या आप जानते हैं गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो यूनिवर्सिटी के लिए जो कंस्ट्रक्शन करना है बारह सौ रुपये स्क्वायर फुट रिक्वायर्ड है अगर अल्लाह ने आपको इस्त दी है आप एक पूरी बिल्डिंग बना सकते हो ऐसी चार कॉलेज की बिल्डिंग रिक्वायर्ड है तो पूरी बिल्डिंग में आगे बढ़िए एक फ्लोर बना सकते हो तो एक फ्लोर में आगे आइए अगर कुछ नहीं एक क्लासरूम आपके तरफ से आपके वालदेन की तरफ से आप वक्फ कर सकते हैं ये आपकी तरफ से होगा अगर आप ये वक्फ कर सकते हैं तो जरूर आगे बढ़िए और अगर ये भी नहीं तो कम से कम एक स्क्वायर फुट या चंद स्क्वायर फीट आप ले लीजिए सिर्फ ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज एक स्क्वायर फुट का कॉस्ट है मैं आप सबको उभारता हूं ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ऐसे प्रोजेक्ट की हम सबको हमारी कंट्री को सख्त जरूरत है और इस चीज में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे दिए हैं आप इंटेंशन करिए नियत करिए कि आप इस चीज में हिस्सा इंशाल्लाह बनेंगे और अपना फोन उठाइए इस दिए हुए नंबर पर अभी के अभी एक सिर्फ मिस कॉल करिए और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये एक वक्फ का प्रोजेक्ट है ये एक सदकाए जारिया है आप और मैं दुनिया में नहीं रहेंगे लेकिन इंशाला हमें अल्लाह से उम्मीद है कि ये बिल्डिंग में ये क्लासरूम में बच्चे पढ़ते रहेंगे अपने मुस्तकबिल को इन क्रिएट करते रहेंगे एक लाख स्क्वायर फीट रिक्वायर्ड है अगर हम सब साथ में मिलकर कोशिश करेंगे इनशाला मुश्किल नहीं है इस वीडियो को कम से कम इनशाला दस लाख लोगों तक पहुंचाना है कम से कम आपके कॉन्टेक्ट के हर ग्रुप में फॉरवर्ड करिए लोगों को फॉरवर्ड करिए आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या हम सिर्फ कहते रहेंगे कि मुसलमान एजुकेशन में बैकवर्ड है कुछ करना चाहिए करने का मौका आया तो क्या जाने देंगे क्या इस तरह से आ करके हाथ में मौका है गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है अब हम ये मौके को यूज करें इंशाल्लाह मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जरूर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनिए। है शुक्रिया असला